तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा एंड एमिवे बंटाई के बारे में। तो लास्ट टाइम मैंने जब इन लोग के बारे में कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एमिवे इनडायरेक्टली रिप्लाई किया था कृष्णा को अपने नए सॉन्ग में। इस सॉन्ग का टाइटल था सीधा टेक ओवर। अब उसके बाद कृष्णा एमिवे को रिप्लाई करते हुए एक डिस ट्रैक निकाले उनके अगेंस्ट एंड इस सॉन्ग का टाइटल है सीधा मेक ओवर। तो चलो इस डिस ट्रैक से मैं एक छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एमिवे एक सांप के बराबर, मेरा एक गाना तेरे आठ के बराबर, हाइट तेरी छोटी आता नाक के बराबर, पर रैप तेरा लगे मेरे जाट के बराबर, साले मार के चपेट तेरा मेक ओवर, अपने फैंस को दिए तूने फेक होकर, मैं लंबी पारी का खिलाड़ी छोटे ले ले जाके एक ओवर, हिप हॉप तूने संभाला, इतना झूठ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सच बात ये है एमिवे हिप हॉप में तुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, राय देने का तुझमें दम नहीं, बेला है अकेला टाइम कम नहीं, पालतू नहीं मैं हूँ जंगली, तू बकरी जो शेर की पहन के घूमे चमड़ी। रफ्तार भी अपने इंस्टाग्राम में इसका पोस्टर अपने स्टोरी में डाले थे। तो एमिवे अभी तक किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किए कृष्णा को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। अगर तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कृष्णा का डिस्ट्रैक्ट कैसा लगा एमिवे के ऊपर। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी बात की अपने हेटर्स के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। फॉर द पीपल हु ट्रोल और रोस्ट मी, हियर इज व्हाट आई हैव टू से, आई लाफ इट ऑफ विद यू। देयर इज अ percentage of people who hate my content and find it mediocre, and I'm absolutely fine with it. People are entitled to their taste and opinions, and I absolutely respect that. What makes me really happy is the fact that my audience and my supporters really love me and give me a chance to entertain them, and I'm extremely happy by it. So all my haters, roasters and trollers, next time you see me in person, come talk to me, give me your honest feedback and have a conversation with me. You'll realize I'm much above this and a very chilled out person, and understand this, there are tons like tons of topics and dank shit that I want to make content on, but I just can't because it's highly controversial and unsafe here. L lag jayenge. So yahi tha unka message for his haters and trollers. To chaliye ab next story ke bare mein baat karte hain. Hum log baat karne wale hain CarryMinati ke bare mein. To CarryMinati aaj apne Instagram story mein ye upload kiye fun shoot with @NDTV. To ho sakta hai ki kuch interview wagera aayega unka. Let's see. To chaliye ab next story ke bare mein baat karte hain. Hum log baat karne wale hain Amit Bhadana ke bare mein. To Amit Bhadana aaj apne Instagram story mein kuch bataye. Wo kahe agle kuch dino तक मैं इंडिया से बाहर हूँ, जस्ट योर लव एंड ब्लेसिंग्स, जिस चीज के लिए कई महीनों से मेहनत चल रहा था वो कल रात को एक कॉल ने पूरा कराया, एंड ऊपर उन्होंने लिखा बिग प्रोजेक्ट्स, तो हो सकता है कुछ बड़ा वो प्लान कर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आशकीन के बारे में। तो रिसेंटली आशकीन अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे। इस वीडियो के बारे में बात करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम में कुछ कहे। वो बेसिकली बात किए कि उनके चैनल में बहुत व्यूज कम आ रहे हैं एंड पर्टिकुलरली जो उनका नया वीडियो है उसमें कम व्यूज आने की वजह से उनको काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो वो क्या कहे आप खुद सुन सकते हैं। एक दिन हो गए इस वीडियो को डाले हुए, मेरे 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर पे मुझे व्यूज आए उस वीडियो पे एक दिन पे 2,75,000, मतलब सिर्फ 3 लाख भी टच नहीं करी है। तो मुझे पता था लोगों को नहीं पसंद आएगी ये वीडियो, बट लाइक्स आए हैं, मैंने नीचे कॉमेंट्स पढ़े हैं तो 6,000-7,000 कॉमेंट्स चले गए उस वीडियो पे। लेकिन मेरा आपसे एक ही सवाल है यार कि अगर ये वीडियो मैंने ना डाली होती और ये वीडियो किसी और क्रिएटर ने डाली होती, या फिर मैं नाम नहीं लूंगा बट कुछ बड़े क्रिएटर्स ने डाली होती और कुछ ऐसे क्रिएटर्स ने डाली होती जो ऑलरेडी एक ही टाइप का कंटेंट कर रहे हैं, तो उस पर कितने व्यूज आते? आप लोग उस पर कम से कम 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज लाके ऐसे दे देते हो, और नॉर्मल कोई भी वीडियोस होती हैं, कुछ भी होता है, आप उस पर व्यूज दे देते हो 5 मिलियन 10 मिलियन, और इस वीडियो को जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको आपने दिया है बस 3 लाख व्यूज। जब कुछ अच्छा बनता है तो प्लीज यार उसको आप लोग लेके जाओ, उसको वायरल करो, ये कंटेंट वायरल होगा। इसके बाद काफी सारे यूट्यूबर्स उनका ये वाला वीडियो प्रमोट किए हैं। सो ये अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबस्टर लोहित शर्मा ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन ओम ओपी ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन ओई वेल्ले ने कंप्लीट कर चुके 500K सब्सक्राइबर्स, देन कंगरा बॉयज ने भी कंप्लीट कर चुके 500K सब्सक्राइबर्स, देन कैरीमिनाटी ने कंप्लीट कर चुके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली बिशाल शर्मा को मिल चुका अपना सिल्वर प्ले बटन। सो मैनी कंग्रेचुलेशन
कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक के बना कहीं मत जाने। आज का लाइक हम रखते हैं 27,500 लाइक्स। आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना यार। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे YouTube कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।